हेलो बच्चों, जैसा कि आज आपको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा लॉकडाउन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थर्ड मई का दिख गया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने आज सुबह जो हम क्लासेस नहीं ले पाई 9, 10, 11, 12 की, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप तक पहुँच पाए। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा इस वैश्विक महामारी के लिए, हालांकि सभी लोग अवेयर हैं, हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब विशेष ही कोई वर्कआउट हो या कोई कार्य हो तभी आप घर से बाहर ये निकलें, अपने माँ बाप के साथ रहें, बाबा दादी के साथ रहें, उनका कहना मानें, उनकी बात मानें, और मतलब अनावश्यक वर्क से आप बाहर जाएं नहीं, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि हमारे डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं कि हैंड को वॉश करते रहिएगा हर 20 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे या फिर 1 आवर पे, है ना, हैंड को वॉश करते रहिए, सैनिटाइजेशन करते रहिएगा, क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश की स्थिति फिर भी नियंत्रण में है। अगर हम सभी मोदी जी का साथ देंगे या हम सभी मिलकर जैसे हम इसमें भाग लेंगे, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे पुलिस आ गया, फोर्स आ गया तो हम घर के अंदर हो गए, फोर्स गया तो हम बाहर हो गए, नहीं, ये गलत है। हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारी आप लोगों से ही एक निवेदन है, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगर हम में से हमारे किसी देशवासी में से ये हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर इस वैश्विक महामारी से किसी की मृत्यु होती है तो हमारे लिए सबसे दुखद बात है, क्योंकि वो सब हम ही में से हैं, हम ही सब भारतवासी में से हो सके हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, एक प्रॉपर दूरी बना के रखें, मतलब पास में आने से बचें, यही सब सावधानियां हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि आपका अब जैसे 12th का बैच आने स्टार्ट होने वाला है, तो 12th का हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा 12th के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन टू फंक्शन, सेकेंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो थर्ड मैट्रिक्स है, चौथा फोर्थ वाला डिटरमिनेंट्स है, अब तो सुबह तो इसी के बीच में हम एक आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके लिए जैसे इसका नाम है चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, 11th में और 10th में आपने पढ़ रखा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 10th क्लास में भी आप जानते हो कि वैल्यूज साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 अप टू सो ना। 11th में जैसे आपने ग्राफिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पढ़ी होगी, फॉर्मेटिंग का क्या है, बनते कैसे हैं, फिर एक दो तीन चीज़ें और आपने सुनी होगी, इसमें डोमेन क्या होता है, जैसे हमारा बाई इक्वल टू साइन एक्स है, कोई ग्राफ है, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, पीरियड क्या होता है इसका। एक्चुअली हम बात ये क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि 11th का है, बट हम 12th में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब आप जान रहे हो कि किस टाइप से, मतलब किसी चांस से ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया है आपका। तो ऑब्जेक्टिव जब हमारा 12th का पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है तो एक एक नंबर के मतलब 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं उसमें, तो एक एक नंबर वाले जब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे डोमेन पूछ ले किसी फंक्शन का, रेंज पूछ ले किसी फंक्शन का, पीरियड पूछ ले किसी फंक्शन का, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए अब याद नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए डोमेन है क्या, रेंज है क्या, पीरियड है क्या। उसके लिए हमने क्या किया है, एक बार रिकॉल कर लिया है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ना, बाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, बाई इक्वल टू मतलब साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स और सेक एक्स और कोसेक एक्स, इसको हमने एक बार रिपीट कर लिया है, जिससे कि आप इनके बारे में जान लें। तो हम सबसे पहले आइए हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें फिर हम आपको हमने आपसे ये कहा है कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले जैसे उसमें है क्या, जैसे बाई इक्वल टू जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, तो अब हम सभी एक एक करके हम ले लेते हैं, जैसे ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू साइन एक्स, तो अब साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है आपका साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आपका ये बन रहा है, तो ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ग्राफ साइन एक्स का ये बनता है ऐसे करके। अब हम इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे हमने अभी इनका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो डोमेन क्या, अब साइन एक्स का ग्राफ ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है,
पाई बाई टू पे सबसे ज़्यादा है, इसकी वैल्यू है वन। उसके बाद यहाँ से पाई बाई टू के बीच में ये इंक्रीज हो रहा है, पाई बाई टू से पाई के बीच में ये डिक्रीज हो रहा है, और फिर पाई से थ्री पाई बाई के टू, पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में इंक्रीज। तो अब इस टाइप से जो ग्राफ है ये ज़्यादा ऐसे है ना। अब हम बात कर लेते हैं ये ग्राफ है आपका। अब ग्राफ के बारे में अब है क्या ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपसे ये पूछ सकता है बाई टू साइन एक्स का डोमेन क्या है, बाई टू साइन एक्स का डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसका पीरियड क्या है। तो देखिए अब ये ग्राफ हो गया, डोमेन ये क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है, ग्राफ का एक्स एक्स एक्सिस पर फैलाव क्या है, दैट इज डोमेन। बस एक सिंपल वर्ड, ग्राफ का जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर फैलाव क्या है। तो ग्राफ हम क्या देख रहे हैं, ये आगे और भी तो जाएगा ना, ये ग्राफ आगे और भी जाएगा भाई। इधर क्या है प्लस इनफाइनाइट, इस साइड क्या है माइनस इनफाइनाइट है भाई, एक्स एक्सिस और एक्स डैश वाई और वाई है ना। तो अब क्या है ये ग्राफ आगे भी जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, और ये भी आगे ये जा रहा है। तो डोमेन इसका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से डोमेन इसका होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक होगा ना। तो अब माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट या हमने इसको ये बोल दिया रियल, डोमेन क्या हो गया रियल नंबर, दैट इज साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर है ना, साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। अगर आपसे डोमेन पूछेगा तो आप कहेंगे रियल नंबर है। इसके बाद हम रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज बेटा क्या होता है, रेंज होता है बाई एक्सिस पर ग्राफ का फैलाव, ग्राफ बाई एक्सिस पर कितना फैला हुआ है। अब देखिए ग्राफ जो हमारा ये है ये वाला, ये ग्राफ जो है हमारा ये हमारा टोटल ग्राफ जो बेटा है ये हमारा ये जो टोटल ग्राफ है वो वन माइनस वन और वन के बीच में ये टोटल जो ग्राफ है सॉरी ये जो टोटल ग्राफ है माइनस वन और वन के बीच में है। तो इसकी जो ग्राफ की जो रेंज होगी वो आपकी माइनस वन और वन के बीच में। तो देखिए रेंज क्या है, माइनस वन और वन, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स और एनी रियल नंबर lies between minus one and one, यानी कि माइनस वन और वन के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, ये इसकी रेंज। अब हम पीरियड की बात करते हैं, तो लिखा है पीरियड इसका क्या है, टू पाई है, दैट इज वैल्यूज ऑफ साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई, यानी ग्राफ अपनी सेप को रिपीट कब करेगा वही इसका पीरियड होता है। ग्राफ जैसे ग्राफ ये है आपका यही तो है ना, अब ये आगे आएगा ऐसे करके ये, तो अब ये जो सेप है हमारी ये वाली ये जो सेप है ये अब रिपीट होगी, कब रिपीट होगी, जीरो से पाई और पाई से टू पाई, यानी इसके बाद इस इंटरवल के बाद, तो यही इसका पीरियड हो गया, यही इसका जीरो से टू पाई यानी जीरो से पाई और पाई से टू पाई हो गया। तो ग्राफ अपनी सेप कब रिपीट करेगा, यहाँ के बाद ही तो करेगा, तो ये इसका पीरियड, तो वही है। अब हमने तीन चीज़ें इसमें सीख ली साइन एक्स के ग्राफ में, तीन चीज़ें आपको मिल गई जो कि इंपॉर्टेंट है। हम इन्वर्स के बारे में, इन्वर्स ग्राफ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ही बात करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स, पहले हम इसके बारे में बात कर लें, इसके दो में रेंज की बात कर लें, इसके पीरियड की बात कर लें। हालांकि एनसीईआरटी के बेस से एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे, बट अब बात यहाँ पर आ रही है कि अब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव भी ये छोटी छोटी बातें रिलेटेड बातें ये पूछ सकता है, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा काम है आगे, इसलिए हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। तो आपने तीन चीज़ें देख ली साइन एक्स में, क्या डोमेन देखा, क्या है रियल नंबर, यानी ग्राफ हमारा पूरे एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, रेंज आपने देख लिया माइनस वन और वन के बीच में ग्राफ हमारा ये घूम रहा है, तो इसका ये रेंज हो गया बेटा। पीरियड क्या है इसका, पीरियड क्या है, हमने क्या बताया, ग्राफ अपनी सेप को दोबारा से रिपीट कब करेगा, टू पाई के बाद कर रहा है, जीरो से टू पाई के बीच में यहीं से तो करेगा, तो ये इसका पीरियड होगा। ये हमारा साइन एक्स के तीन चीज़ें हमने यहाँ से देख ली। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स, देखिए कॉस एक्स का ग्राफ आपको मालूम है, साइन 90 वैल्यू होती थी वन, साइन जीरो वैल्यू होती थी जीरो, क्लास 10 की बात है। और यहाँ और फिर जब कॉस के लिए हम बात कर रहे थे, कॉस जीरो की वैल्यू होती थी वन और कॉस 90 वैल्यू होती थी जीरो, यानी कि इसमें जस्ट साइन एक्स का उल्टा है, क्या कॉस जीरो की वैल्यू क्या है वन और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या है जीरो। अब ग्राफ जीरो पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, अब ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ की शेप आपकी ये है, इससे हम देख क्या रहे हैं कि जीरो पे कॉस जीरो की वैल्यू वन है सबसे ज़्यादा है, बट पाई बाई टू पे ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि
जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में अगर आप डिक्रीज करता है तो अब ये इस तीसरे पर बाई इक्वल टू कॉस एक्स। बताना हमें सब इतना है कि इसमें डोमेन रेंज और पीरियड के बारे में बात हम करेंगे कैसे। तो जैसे बेटा ये लिखा है डोमेन, अब डोमेन इसका क्या है भाई, ग्राफ आगे भी तो जाएगा, ये आगे जाएगा ये, तो अब डोमेन क्या है इसका, पूरे एक्स एक्सिस का ग्राफ हमारा पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, दैट इज डोमेन। जैसे अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ और बाई इक्वल टू कॉस एक्स की, तो आप देख कह रहे हो कॉस एक्स ग्राफ ये है ना, हमें केवल ये चीज देखनी है कि डोमेन रैंक और पीरियड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही आ रहा है। अब हम जैसे डोमेन की बात करें तो ग्राफ हमारा बेटा पूरे x x x से यानी माइनस इनफाइनिटी से प्लस इनफाइनिटी के बीच में फैला हुआ है, कहीं गैपिंग तो है नहीं, तो जब कहीं गैपिंग नहीं है ग्राफ में, कहीं ब्रेकिंग नहीं है, गैपिंग नहीं है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर यानी माइनस इनफाइनिटी से प्लस इनफाइनिटी, दैट इज पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा। वही लिखा है डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है, दैट इज कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल। देखिए मेरा एक आपसे कहना है, मुझे पता है जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो अगर कोई बुक्स की स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस नोट्स को, इस वीडियो को, मतलब आप इसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार आपसे पढ़िए, और अच्छा लगे अगर समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इससे सेटिस्फाइड, अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर तो ये है ही आपके पास, ये इस वाले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उससे किसी भी वक्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कंक्लूडिंग पॉइंट, तो अब हम बात कर रहे हैं इसका डोमेन, तो बेटा ग्राफ कहीं ब्रेकिंग नहीं कर रहा है, तो ग्राफ अगर ब्रेकिंग नहीं कर रहा है तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही हमारा डोमेन होगा। दूसरी चीज़, अब बेटा रेंज की बात करता हूँ तो आपको मालूम है ना ग्राफ हमारा ये कहाँ कहाँ के बीच में ये घूम रहा है, ये ग्राफ हमारा घूम रहा है माइनस वन और प्लस वन के बीच में, तो माइनस वन अगर और प्लस वन के बीच में अगर हमारा ग्राफ ये घूम रहा है, इसका मतलब रेंज इसका माइनस वन से प्लस वन ही होगा, होगा ना, तो अब ये रेंज क्या होगा माइनस वन से प्लस वन, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स फॉर एनी रियल नंबर लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, इसकी जो वैल्यू होगी रेंज की माइनस वन से और वन के बीच में लाइज, सॉरी पीरियड की बात कर रहा है। अब बेटा पीरियड, फिर इसमें वही वाली बात आ गई, पीरियड ही ग्राफ रिपीट कब हो रहा है, देखिए ग्राफ आप यहाँ से ले लो, यहाँ आप ले लो, ये शेप रिपीट कब हो रही है, ये शेप रिपीट यहाँ से हो रही है, अब यहाँ से ही तो जाएगा आगे, तो अब क्या है ये कितना है, ये थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू है, यानी कि शेप यानी थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू, ये आपका टू पाई हो गया, ये शेप ग्राफ अपनी शेप को रिपीट कब करेगा, टू पाई बाई इंटरवल के बाद, तो इसका पीरियड हो गया बेटा वो टू पाई हो गया, दैट इज वैल्यू ऑफ कॉस एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बाद में बात करेंगे, पहले हम ये सिंपल बात कर रहे हैं कि एक बार मैं समझता हूँ हो सकता है भूल गए, क्योंकि इनका जानना बहुत जरूरी है, डोमेन रेंज का जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब जब हम बात कर लेते हैं ग्राफ और बाई इक्वल टू टैंजेंट, आपको फिगर में बोर्ड में जो फिगर बनाया है इसमें आप देख रहे होंगे कि टैंजेंट ग्राफ ऐसे बनता है, यही है। अब आप देख रहे हो इसमें क्या कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस में फैला तो है, ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस, यानी माइनस इनफाइनिटी से प्लस इनफाइनिटी के बीच में ग्राफ तो है, बट ये कंटिन्यू नहीं है, ये ब्रेक कर रहा है, कहाँ ब्रेक कर रहा है, पाई बाई टू पे कर रहा है, माइनस पाई बाई टू पे कर रहा है, यानी पाई बाई टू के जितने भी पॉइंट आएंगे सब पर ग्राफ ब्रेक करेगा, सब पर ग्राफ ये ब्रेक करेगा। तो क्या है, तो ये है कि पाई बाई टू के जितने भी पॉइंट होंगे, आगे भी तो आएंगे ना भाई, ये पाई बाई टू हो गया, इसके बाद जो आएगा वो थ्री पाई बाई टू होगा, इसके बाद आएगा फाइव पाई बाई टू होगा, जैसे ये हो गया माइनस पाई बाई टू हो गया, इसके बाद इससे जो पहले आएगा माइनस का थ्री पाई बाई टू, मतलब क्या है कि पाई बाई टू के जो मल्टीपल्स में जो भी नंबर आएंगे ग्राफ उन पर ब्रेक कर रहा है, तो डोमेन इसका क्या होगा, रियल नंबर तो होगा बट पाई बाई टू को हम इसमें हटा, पाई बाई टू पे ग्राफ हमारा ब्रेक कर रहा है,
यानी कि कवर नहीं कर रहा है तो उसको हम छोड़ दें। तभी लिखा है डोमेन क्या है, आर, आर मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर 2n प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि पाई बाई 2 तो है ही, 2n प्लस 1, एक मिनट, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज 10x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। यानी पाई बाई 2 के बेटा जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पर ग्राफ हमारा, उन पर ग्राफ हमारा कंटिन्यूटी नहीं है ग्राफ की, उन पर ग्राफ हमारा ब्रेक कर रहा है। तो डोमेन क्या होगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों, इसमें लिखा है ना दैट इज 10x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर पर 10x डिफाइंड है एवरी रियल नंबर पर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन पर हमारा ग्राफ कंटिन्यूटी, ग्राफ की कंटिन्यूटी नहीं है। तो हमारा ये डोमेन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में। अब जैसे हम रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज में क्या है, रेंज इसका क्या है, ग्राफ रेंज क्या है, ग्राफ का बाई एक्सेस पर एक्सपेंशन क्या है, फैलाव क्या है, तो बाई एक्सेस पर खूब फैलना है। अब देखिए बाई एक्सेस पर ये किसी फाउंडेशन तो है नहीं, आगे ऊपर और भी तो जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर, आगे जाएगा ऊपर, तो बाई एक्सेस पर क्या है, माइनस इन्फाइनिटी से प्लस इन्फाइनिटी, दैट इज रियल। मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो रेंज क्या होगी इसकी, माइनस इन्फाइनिटी से प्लस इन्फाइनिटी, दैट इज रियल नंबर, दैट इज 10x इन इट्स डोमेन कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि हम इसके डोमेन कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। अब बेटा इसके पीरियड की बात होगी, पीरियड ग्राफ हमारा रिपीट कब कर रहा है, ये सेप कब रिपीट हो रही है, ये सेप कब रिपीट हो रही है, अब देखिए ये ग्राफ हमारा और ये अब रिपीट हो रही है, यानी कि टोटल जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, पाई है, भाई पाई बाई 2 ये पार्ट हो गया, पाई बाई 2 हो गया, यानी कि ये जो 10x का ग्राफ है अपनी सेप को रिपीट करेगा पाई में जोड़ के, तो इसका जो पीरियड हो गया वो पाई हो गया, दैट इज वैल्यूज ऑफ 10x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, यानी कि पाई के इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो 10x की तीन प्रॉपर्टी हमने देखी, कौन कौन सी, एक तो डोमेन हो गया, एक रेंज हो गया और एक पीरियड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इससे ज़्यादा ग्राफिंग ग्राफ में कुछ पूछे गए, इतनी ग्राफिंग आपको आनी चाहिए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं बेटा बाई इक्वल टू कॉर्टेक्स की, है ना, तो बाई आप ये समझिए, ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो इस चैप्टर का बेसिक है, इस चैप्टर का बेसिक है, बुक्स आप खोलेंगे वही आपका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप साइन एक्स का ही ग्राफ या साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक और कोसेक एक्स के ग्राफ की इमेज ही माइंड में नहीं होगी तो इनवर्स भी कहाँ से आएगी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले आप इसको पहले क्लियर कर लें। तो ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू कॉटेक्स, अब कॉटेक्स के ग्राफ कैसे बनता है वो ये, कॉटेक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉटेक्स के ग्राफ की इमेज ये है, आप देख लीजिए 10x की सेप देखिए ऐसी आ रही है, इसकी ऐसे आ रही है ना, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं, अब इसका डोमेन क्या है, देखिए ग्राफ कहाँ टच नहीं हो रहा है, जीरो पे नहीं हो रहा है, पाई पे नहीं हो रहा है, टू पाई पे नहीं हो रहा है, माइनस पाई पे नहीं हो रहा, यानी कि पाई पे चाहे इवन हो चाहे आउट हो ग्राफ उन पर टच नहीं हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक कर रहा है तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन सारा रियल नंबर तो होगा बट ये पार्ट हम उसमें से हटा देंगे ना, तो हमने क्या लिखा, डोमेन क्या होगा, आर माइनस एन पाई, एन पाई मतलब क्या है, ये आर माइनस एन पाई मीन्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो दैट इज ये लिखा है कॉटेक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट द ओड एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आप समझिए पहले ये जो कर्व है, ये ग्राफ है, पूरे एक्स एक्सिस पे फैला है बट किसको, किस किस पॉइंट पे, ये जो ये ओड पॉइंट हो गया माइनस पाई है ना, जीरो हो गया, पाई हो गया, टू पाई हो गया, यानी कि चाहे इवन पॉइंट हो चाहे पाई का जो मल्टीपल हो, चाहे इवन हो तो चाहे ओड हो, उन पर ये ग्राफ टच नहीं कर रहा है, तो हम इन पॉइंट को हटा देंगे रियल नंबर में से, तो डोमेन इसका क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर माइनस एन पाई, तो ये आपसे पूछे कॉर्टेक्स का डोमेन क्या हुआ, फट से दिमाग में इमेज आनी चाहिए, सर ने ऐसे बताया था, इसका मतलब ग्राफ हमारा जो है इवन हो चाहे ऑड पॉइंट हो उन पर टच नहीं कर रहा है, उन पर ये ग्राफ हमारा ब्रेक कर रहा है, उन पॉइंट को हटा देंगे रियल नंबर में से, तो डोमेन हमारा एक पास आएगा आर माइनस एन, दैट इज एन बिलोंग्स टू आई, है ना, इंटीजर, दैट इज
कॉट्रैक्ट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट द ओड एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है जिससे कि आप अगर बाद में भी पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं। अब बेटा हम बात करते हैं जिसके रेंज की, तो आप रेंज देख रहे हो ना, ऐसे भी तो आ गया है। तो बट ग्राफ माइनस ये नीचे क्या है बाई जैसे ऊपर क्या है बाई, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ग्राफ की कोई कहीं कोई ब्रेकिंग है नहीं, तो रेंज इसका बेटा क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दैट इज रियल नंबर होगा। अब हम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो आप देखिए ये ग्राफ है आपका, ये रिपीट कब हो रहा है, ये पाई के इंटरवल से रिपीट हो रहा है, पाई बाई टू ये हो गया पाई हो गया, पाई बाई टू ये हो गया पाई हो गया, तो पाई के इंटरवल से हो रहा है इसलिए इसका पीरियड पाई हो गया। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड्स, देखिए अब आप क्या देखेंगे इस इधर। अब देखिए ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ बाइकल टू सेक एक्स। अब बेटा जब हम सेक एक्स की बात कर रहे हैं तो सेक एक्स का ग्राफ इस टाइप से होता है। अब इसको रख देख लीजिए, इलेवेंथ में आपने पढ़ा होगा है ना, ग्राफ बनता फॉर्मेटिंग भी बताई गई होगी आपको और बनता कैसे ग्राफ क्या होता है, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं एक बार। ग्राफ बाइकल टू सेक एक्स की ये फॉर्मेटिंग है, बनता है ऐसे। अब जब ये होता है, अब आप देखिएगा इसमें ग्राफ टच कहाँ कर रहा है, कहाँ पर ब्रेक कर रहा है, भाई वही तो है डोमेन रेंज और पीरियड में हमें यही चीज़ देखनी है ना, तो डोमेन। अब देखिए अब इसमें ग्राफ क्या आया आपका, हाँ जी, जैसे हम क्या बात ग्राफ और बाइक पर जो सेकेंड के बारे में जब बात कर रहे थे आपसे, तो अब इसमें क्या ग्राफ हमारा जो फायदा है एच एस ये आपका एक्सेस हो गया, ये आपका बाई एक्सेस हो गया, ग्राफ का सेप ये है आपके पास है ना। तो अब देखिएगा हम डोमेन की बात करेंगे, तो डोमेन बेटा क्या है कि ग्राफ है कहाँ, ग्राफ ब्रेक कहाँ कर रहा है, ग्राफ कहाँ कहाँ पर नहीं है, कहाँ कहाँ ग्राफ नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं ये जैसे ये है आपका ग्राफ, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, कहाँ कहाँ नहीं है, एक तो ये पाई बाई टू पे नहीं है, थ्री पाई बाई टू पे नहीं है, माइनस पाई बाई टू पे नहीं है, माइनस थ्री पाई बाई टू पे नहीं होगा, माइनस का फाइव पाई माइनस का फाइव पाई बाई टू पे नहीं होगा, इधर आपका थ्री पाई बाई टू पे नहीं है, तो फाइव पाई बाई टू पे नहीं होगा, सेवन पाई बाई टू पे नहीं होगा, मतलब जितने भी ऑड होंगे पाई बाई टू के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, तो उसका डोमेन क्या है आर, पूरा एक्स एक्सिस में तो है ही बट कहाँ पे नहीं है, ऑड पे नहीं है, तो हमने इसमें ये कर दिया कि आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, समझ पा रहे हो ना बात को, ग्राफ हमारा यहाँ पे कहाँ है बेटा, है ही नहीं, स्टार्टिंग को यहाँ पर है बट ग्राफ हमारा जो है इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब ग्राफ हमारा क्या है कि यहाँ पर कहाँ है, ये पाई बाई टू की लाइन है, ये माइनस पाई बाई टू की लाइन है ही नहीं, ये थ्री पाई बाई टू की लाइन है ही नहीं, ग्राफ इनके बीच में मतलब बट पाई बाई टू पे नहीं है ग्राफ, थ्री पाई बाई टू पे नहीं है ग्राफ, फाइव पाई बाई टू पे नहीं है ग्राफ, सेवन पाई बाई टू पे नहीं है ग्राफ, तो ग्राफ जब इन पर है ही नहीं, तो हम इसको अपने हम डोमेन में रियल नंबर में से इसे हटा रहे हैं, तो हमारा डोमेन होता है बेटा आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, मतलब क्या हो गया एन ब्रॉक्स टू इंटीजर, दैट इज हम क्या लिखेंगे दैट इज सेक एक्स इज डिफाइंड, दैट इज सेक एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, इसके आगे ये लिखेंगे है ना, आप क्या लिखेंगे दैट इज सेक एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ये आपको अच्छा। जब हम रेंज की बात करें तो ग्राफ हमारा कहाँ से है भाई, ये माइनस इनफाइनिटी है, ये क्या है प्लस इनफाइनिटी है, तो ग्राफ हमारा माइनस इनफाइनिटी से कहाँ तक जा रहा है, माइनस वन तक जा रहा है ना, माइनस वन तक है ये आपका है माइनस वन, अब देखिए माइनस वन तक जा रहा है, फिर माइनस वन से वन का ब्रेक है, फिर वन से इनफाइनिटी को जा रहा है, फिर आप देखिए जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे जो रियल नंबर हमारा है उसमें क्या लेंगे माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन और इधर क्या लेंगे वन से इनफाइनाइट, तो हमारा जो रेंज आएगा तो हम देखेंगे माइनस, देखिए ध्यान रखिएगा जब इनफाइनाइट का पॉइंट है उसमें आप क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे है ना, मैंने आपको बताया था ये, तो रेंज हमारे पास क्या है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, ये है रेंज में हमारा है, ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आ रहा है माइनस वन तक आ रहा है, माइनस वन इंक्लूड है, मैंने आपको बताया भी था ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सेमी जो भी है सेमी ओपन सेमी क्लोज सब मैंने आपको बताया था, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन ग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ब्रेक कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यूनियन ऑफ वन से लेकर इनफाइनाइट,
वन से लेकर डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डोमेन रेंज, इन ग्राफ के डोमेन रेंज ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम रेंज की बात करेंगे, तो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन यूनियन और वन से इन्फाइनाइट, ये क्लोज इंटरवल है, बताइए ये क्या है आपका क्लोज इंटरवल है। दैट इज सेक एक्स कैन टेक एनी वैल्यू इन इट्स डोमेन एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, द वैल्यू लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन, यानी किस वैल्यू को छोड़ करके आप इसकी कोई सी भी रियल वैल्यू इसके डोमेन में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इसका पीरियड, देखिए इसके पीरियड की जब बात करें ये है, ये कब रिपीट हो रहा है इसके बाद में, ये ग्राफ अपनी सेप यहाँ से जो ये सेप है ऐसे है, फिर ये कब रिपीट हो रहा है भाई, पाई बाई टू पाई बाई टू पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया, यानी कि ये जो अपनी सेप है ये वाली, ये यहाँ से रिपीट करेगा, तो यहाँ से रिपीट करेगा कितना डिग्री, यहाँ से ई आ गया भाई, ये सेप है ना, फिर कहाँ से ई आ गया, तो ये कितना हो गया पाई हो गया, और ये पाई बाई टू ये, तो पाई आपका ये हो गया, तो पाई ये हो गया, पाई ये हो गया, टू पाई आपका हो गया, तो उसका पीरियड हो गया देखा है टू पाई। तो अब आपने क्या देखा है इसका जो पीरियड की बात हमने की, तो पीरियड इसका टू पाई, यानी ग्राफ ये सेप रिपीट कब करेगा, तो ये सेप बेटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ गया, यानी पाई ये हो गया और पाई ये है, यानी कि पाई और पाई टू पाई, टू पाई के बाद ये सेप रिपीट कर रहा है अपनी ग्राफ यहाँ से, तो इसका जो पीरियड हो गया वो आपका टू पाई लिखा है। दैट इज वैल्यूज ऑफ सेक एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू पाई, है ना। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कोसेक एक्स की, ग्राफ ऑफ बाई इक्वल टू कॉस कैसा बना है वो ये है, बाई इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा बना है वो ये है ना। अब हम इसके बारे में डोमेन रेंज और पीरियड की बात कर लेते हैं, तो बेटा डोमेन क्या है इसका, देखिए ग्राफ कहाँ कहाँ पर, ये रियल नंबर है आपका, मैंने आपसे कहा एक्स एक्सिस से और एक्स डैश एक्सिस, यानी अगर ये नंबर लाइन है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, या ये माइनस, ये लाइन बहुत दूर तक जाएगी, तो मान लेते हैं माइनस इन्फाइनाइट तक जाती है और ये लाइन प्लस इन्फाइनाइट तक जाती है, तो माइनस इन्फाइनाइट और ये प्लस इन्फाइनाइट पर ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है, हमें केवल ब्रेकिंग देखनी है, ये कंटिन्यूटी कहाँ पर नहीं है, या डिसकंटिन्यूस ग्राफ कहाँ पर है फिलहाल, तो ग्राफ ये कहाँ कहाँ पर नहीं है। अब देखो जरा ग्राफ ये आपकी क्या है, माइनस ये रियल नंबर की लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या एक्स एक्सिस है, लेकिन बट ग्राफ हमारा कहाँ पे नहीं है, पाई पे नहीं है, टू पाई पे नहीं है, थ्री पाई पे नहीं होगा, फोर पाई पे नहीं होगा, इधर देखो माइनस पाई पे नहीं है, माइनस टू पाई पे नहीं होगा, माइनस थ्री पाई, मतलब पाई के जितने भी इवन या ओड मल्टीपल होंगे ग्राफ हमारा वहाँ वहाँ पर वहाँ वहाँ ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब डोमेन जो बेटा होगा वो क्या होगा, आर माइनस का एन पाई होगा, आर माइनस का एन पाई होगा, है एन बिलोंग्स टू इंटीरियर, यानी कि ग्राफ आर माइनस का एन पाई का मतलब ये होगा कि चाहे उसके इवन हो और चाहे उसके ओड, यानी कि आप क्या रखेंगे कोसेक्स एक्स, आप लिखेंगे पाई इक्वल टू कोसेक एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट दी ओड एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना, यानी कि पाई के चाहे इवन मल्टीपल हो, भाई एंड एंड बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी सही, तो चाहे पाई के मल्टीपल इवन हो और चाहे इंटीजर हो, ग्राफ वहाँ वहाँ हमारा नहीं है, तो डोमेन में हम इसको हटा दें, तो आप डोमेन में क्या लिखेंगे, इस पूरे रियल नंबर में से हम ये एन पाई हमने माइनस कर दिया, वेयर एन बिलोंग्स टू पाई, ठीक है। अब हम बेटा बात कर लेते हैं रेंज की, तो जरा देखिए ग्राफ अब रेंज हमने आपसे क्या कहा था, बाई अक्ष पे या बाई एक्सिस पे माइनस बाई से प्लस बाई के बीच में, माइनस बाई से या माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में, माइनस बाई एक्सिस से प्लस बाई एक्सिस के बीच में ग्राफ ब्रेकिंग कहाँ कर रहा है, कहीं ग्राफ ब्रेकिंग कर तो नहीं रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो रियल नंबर होगा, ब्रेकिंग कहाँ कर रहा है वहाँ पर हमें देखना है। अब हम क्या देखना है, ग्राफ माइनस इन्फाइनाइट से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, माइनस वन तक आ रहा है, यानी माइनस वन तक आ रहा है ना, तो आपका रेंज हो गया माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन, और ये ब्रेक कर रहा है कहाँ से, माइनस वन और वन के बीच में, फिर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वन से इन्फाइनाइट के बीच में जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे वन से इन्फाइनाइट, यानी माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फाइनाइट। और मैंने ऊपर आपको बताया था कभी इन माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट में हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, ओपन ही लगाते हैं।
ये इसका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि बेटा ये रिपीट कब करेगा, ये से अपनी रिपीट कब करेगा, यही तो आएगा आगे। तो कहाँ से, जीरो से पाई और पाई से टू पाई, यानी कि जीरो से टू पाई के बाद ये अपनी सेप को रिपीट करेगा, इसलिए इसका पीरियड हो गया टू पाई। इतना आपका बेसिक था इस चैप्टर के लिए, इतना आपका बेसिक था जो मैंने आपको समझाया। अब हम आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। अब मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉस एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये और भी है, लेकिन इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने को सिर्फ हमारा समझाने का मतलब सिर्फ एक ही था कि आपको डोमेन रेंज और पीरियड आना चाहिए। अभी तक नहीं आता था, ये आया बाद की बात है, बट इन फ्यूचर प्लानिंग का कुछ कहा नहीं जा सकता। बोर्ड सेटर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा ले, है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है नहीं, या नहीं है, सब कुछ है, सब पढ़ोगा। अब हम बात करेंगे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स, जितने भी इनवर्स वाले फंक्शन हैं उनके बारे में हम ये पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, कौन कौन से होते हैं, है ना, उसके बारे में फिर हम डिटेल से अब इसके बारे में उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। और एक होमवर्क है, होमवर्क है आपके लिए क्लास टेंथ में, ये आपको वैल्यू ये साइन जीरो की वैल्यू, साइन थर्टी की वैल्यू, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू, साइन जीरो की जीरो, साइन थर्टी की वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव की वन अपॉन रूट टू, साइन सिक्सटी की रूट थ्री बाई टू, साइन नाइन्टी की वन, मैंने कहा था केवल इतनी वैल्यू। और मैंने टेबल मैजिक टेबल, जैसे हमने क्लास में आपको ये बताया था कि जीरो से लेके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी एंगल पर वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एक बार मैंने आपको ये भी बताया होगा, शायद आपको ध्यान होगा ये बात, ये एक्सिस होते हैं हमारे, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, है होता है ना, जैसे ये हमारा हो गया ये ऐसे टाइप का, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैंने बताया था इसके लिए ऑल स्कूल टू कोचिंग, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई है, और वाई अब हम जैसे हमने आपको ये कहा था, जैसे ये होता है आपके पास, ये होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश हो गया और वाई डैश हो गया। तो हमने आपसे क्या कहा, एक हमने आपको लाइन कही ऑल स्कूल टू कोचिंग, ऑल स्कूल टू कोचिंग, है ना। इसका मतलब बेटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ये सबके सब कैसे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। स्कूल का मतलब हो गया ये सेकंड, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारे पास हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सारे पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, ऑल स्कूल यानी सेकंड के लिए ये है आपका, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड वाला का मतलब है टी, टी फोर होता है टेन, टेन और कॉट, इसमें क्या होंगे टेन और कॉट, ये होंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की हम बात करें कॉस, यानी कोचिंग का मतलब हो गया कॉस और सेक, इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये सब मैंने जब आप बताया इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, अब हम कहेंगे अब देखिए ये जो है इसमें जैसे मान लेते कोई एंगल है थीटा, इसमें लाइक करता है जीरो इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन पाई बाई टू, इसमें थीटा लाइक करता है इज ग्रेटर देन पाई बाई टू बट लेस देन पाई, इसमें क्या लाइक करता है, इसमें आपका लाइक करता है थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन थ्री पाई बाई टू, और इसमें थीटा इज ग्रेटर देन थ्री पाई बाई टू बट लेस देन टू पाई, यानी कि जीरो से 90 के बीच, 90 से 180 के बीच, 180 से 270 के बीच, और 270 से 360 के बीच में, ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत बेसिक काम था और बहुत इजी था, ये सब आपको आता हो। अब हम बात करेंगे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अब हम आइए अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके आप इसे नोट करिए।